આંબાની હવે એમ પણ સીઝન આવી ને સાચા અર્થમાં તો હવે સીઝન આવી આંબાની સીઝન એવો આ રસ યુક્ત બહુ મીઠો આંબો આ ભાગવત
ब्रज भूमि मा आंबानो वास सखी रे आंबो बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। आज भागवत नी रचना व्यास जी करी सौथी पहला कुरुक्षेत्र ना दर्शन कर्या त्यां जे युद्ध पूर्ण थई चुक्यू हतू अर्जुन पांडवों नो विजय प्राप्त थयो हतो अने दुर्योधन नी पण अंतिम अवस्था पोताना मित्र अश्वत्थामा ने बोलाव्यो। अश्वत्थामाए खूब ज क्रूरता थी जे दुर्योधन ने संकल्प आप्यो हतो के सवार थता पांचेना मुख लईने आवीश, लेकिन जे भवन में ए गयो एनी जगह पांच पांडवना पांच पुत्र सूता हता, सूतेला पुत्रों ने मार्या। दुर्योधन पासे माथो लईने आव्यो, खबर पड़ी कि आ तो एमना पुत्र छे। ए जोईने दुर्योधन ने पण खूब विषाद थयो, एना प्राण निकली गया। पछी अश्वत्थामा ने पकड़ीने लाव्या, द्रौपदीए खूब विलाप कर्यो, कह्युं के आने हवे दंड शुं आपीए। द्रौपदी कहे छे मुच्यताम मुच्यताम एष, आने छोड़ी दो, कारण के आने मारवाथी हवे मारा पुत्र आवाना नथी, ने मारो सहारो आप मारा पति तो छो, आनो तो पति पण नथी, आनी माता एना पति पण नथी, हवे एक ज आ पुत्र ज एनो सहारो छे। हवे जो आने मृत्युदंड आपी देशो तो ई पछी एनी मातानुं शुं थशे, आने मुक्त करो। अने पछी अश्वत्थामानी जे दिव्य मणि ए मणि लई लीधी, अपमानित करीने एने छोड्यो। त्यांथी पछी एने क्रोध वधारे आव्यो, ब्रह्मास्त्र छोड्यो उत्तराना गर्भमां। ज्यां उत्तरानो गर्भ बढ़वा लाग्यो, उत्तराए भगवान ने पुकार लगावी, स्तुति करी, गर्भमां भगवाने उत्तराना बाळकनी रक्षा करी। अने हवे भगवान रथमां बिराज्या, विचार्यु के घणो समय थई गयो, द्वारका जवानी तैयारी करवा लाग्या। ज्यां रथमां बिराज्या त्यां ज कुंताजी सुभद्राजी बधा प्रभु सन्मुख आव्या, हाथ जोड़ीने उभा छे कुंताजी, अने हाथ जोड़ीने कुंताजी प्रभुनी स्तुति करे छे। कुंता स्तुति, खूब सुंदर स्तुति श्री कुंताजीए करी। श्री महाप्रभुजीए आ स्तुतिने खूब सुंदर आनो भाव बताव्यो कि आ कुंताजीनी स्तुति सर्वोत्तम छे, कारण के सुखना समयमां एणे स्तुति करी। घणा लोको दुखमां स्तुति करे, घणा लोको अंतिम समय आवे जेम भीष्मजीए भगवानी स्तुति करी, अंतिम समय आव्यो त्यारे स्तुति करी, उत्तराए भगवानी स्तुति करी ज्यारे दुख आव्यो। पण श्री महाप्रभुजी कहे छे कि आ कुंताजीए स्तुति करी ज्यारे एमना जीवनमां सुखनो समय आव्यो त्यारे स्तुति करी, एटले कह्युं के आ स्तुति सर्वोत्तम छे, श्रेष्ठ छे। तो खूब दैन्य भावथी श्री कुंताजीए પ્રભુ સન્મુખ ખડા છે, ઉભા છે અને હાથ જોડીને પ્રભુની સ્તુતિ કરે છે। આવો કુંતા સ્તુતિના દર્શન કરીએ। નમસ્યે પુરુષમ ત્વાદ્યમ ઈશ્વરમ પ્રકૃતે પરમ અલક્ષ્યમ સર્વભૂતાનામ અંતર બહિરવસ્થિતમ માયા જવનિકા છન્ન ધોક્ષજમવ્યયં માયા જવનિકાછન્ન ધોક્ષજમવ્યયં ન લક્ષ્યસે મૂઢદશા નટો નાટ્યો ખરો યથા હે।
नमस्ये पुरुषं स्वाग्नम। कुंता जी दोनों हाथों को जोड़ती हुए प्रभु नमस्कार, और जहां कुंता जी ने नमस्कार किए भगवान कहने लगे द्वारिकानाथ, अरे बुआ आप मुझे क्यों नमस्कार कर रहे हो, मैं तो आपका बालक हूं, आपसे छोटा हूं, मैं आपको नमस्कार करूं, यही तो विवेक है, आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपको वंदन करूं, आप मुझे वंदन कर रहे हैं। कुंता जी कहे से नाथ आज जो लौकिक आपरो जो संबंध है ना व्यवहार ने चालता आ भत्रीजो ने आ ने भाई ना पुत्र ई भाव ने ध्यान में राखी ने ई भाव मारा केंद्र में नहीं, हूं तो ये आध्याय पुरुष ने वंदन करू छु जे अलक्षम सर्वभूतानां अंतर बहिरवस्थितम। हूं तो ये आध्याय पुरुष ने जे अंतर बहिरवस्थितम जे अंदर अने बार बधी जग्याए छे जो सर्वत्र है जो प्रकृति से पर है, हे प्रथम पुरुष मैं उस प्रथम पुरुष को वंदन कर रही हूं, ना कि ये लौकिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए। पहला छे ने कुंता जी ने कृष्ण मां एक लौकिक भाव हतो, अमारा भाई नो दीकरो एवो प्रेम हतो, लेकिन परंतु जारे आ उत्तराना गर्भ मां जारे भगवान एनी रक्षा करी ने त्यारे कुंता जी ने ठाकुर जी ना स्वरूप नु ध्यान थयु, विचार्यु के आ कोई सामान्य पुरुष नथी, एटले कह्यु नमस्ये पुरुषं त्वाभ्यं ईश्वरं प्रकृते परं अलक्षं सर्वभूतानां अंतर बहिरवस्थितं। हे अलक्ष्य, महाप्रभु जी बड़ी सुंदर व्याख्या कर रहे हैं, अ यानी गुरु, लक्ष्य यानी जानना, जो गुरु के बिना जाने ना जा सके ऐसे कृष्ण, या तो एक दूसरा अर्थ अ यानी श्री कृष्ण, लक्ष्य यानी जानना, जब ठाकुर जी कृपा करे त्यारे जीव एना स्वरूप ने ओळखी सके छे, बाकी हरेक जीव प्रभु ना स्वरूप ने जानी नहीं सके। जो प्रभु सर्वत्र छे, अंतर बहिरवस्थित व्यापक छे, तो पछी एमने जाणवू एमने समझवू सरल होय ना, कारण के इंद्रियोनो विषय नथी। प्रभु आपनी आ माया बधी जग्याए फैलायेली छे, अने जे मूळ दृष्टिवाळा छे ए मूळ दृष्टिवाळा आपना स्वरूपने न ओळखी शके। माया जव निकाच्छन्न मग्या धोक्षज मव्यम, हे अधोक्षज, आपनी आ माया ना लीधे जे मूळ दृष्टिवाळा मूळ मतिवाळा जे थया छे ए आपना स्वरूपने जाणी न शके। मूळ मति, ઘણા લોકો મૂળમતી કે આ પુષ્ટિ સંપ્રદાયમાં શું ઠાકોરજીની સેવા કરવાની ને એને મંગળાને એને પોઢાવાના ને પલના ને હિંડોળા એને ઉઠાડવાના ને સોડાવાના ને આ બધું ઈ ઓલા મૂળ દસ્તીવાળાને ખબર ન પડે કે ઈ સેવામાં શું આનંદ છે, ઈ ઠાકોરજીને જગાડવામાં શું આનંદ છે, એને એને ભોગ ધરાવવામાં શું આનંદ છે, એને એને શિંગાર ધરાવવામાં શું આનંદ છે, વો તો જો સેવા કરે જીવ એ ઠાકોરજીના સ્વરૂપને જાણી શકે, બાકી જે દૂર દૂર છે મૂળ દ્રષ્ટિવાળા છે મૂળ મતિવાળા એ પ્રભુની સેવા એમના સ્વરૂપને જાણી ન શકે। જે કોઈ પ્રેમ અંશ અવતરે પ્રેમ તેના હૃદયમાં ઠરે, આ તો કોઈ જો પ્રેમ અંશ જે હોય પ્રેમ ભક્તિ એના હૃદયમાં જ ટકી શકે, બાકી મૂળ દ્રષ્ટિવાળા પ્રભુ આપને જાણી ન શકે। જે પ્રકારથી નટો નાટ્યો ધરો યથા, નટ જ્યારે નટનું રૂપ ધારણ કરે છે નાટિકામાં ત્યારે એના મૂળ સ્વરૂપને કોઈ જાણી નથી શકતું, એવી રીતે મૂળ દ્રષ્ટિ મૂળ મતિવાળા આપને કોઈ જાણી ન શકે। આપ તો કોના માટે પ્રગટ થાવ છો, આપના સ્વરૂપને કોણ જાણી શકે। કુંતાજી કહે રહી તથા પરમહંસાનામ तथा परमहंसाना मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं
कथं पश्येमहि स्त्रियः प्रभु ये तो जो कोई परम हंस छे जेना हृदय में आपना माटे निष्काम भक्ति छे आप तो ये भक्तों माटे ज प्रकट थाओ छो मूल दृष्टि वाला आपने जानी नथी शक्या हे श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप लाडीले हे गोविंद मैं बार बार आपको प्रणाम करती हूँ जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं जिनके नेत्र कमल की तरह सुंदर और विशाल हैं जिनके चरण कमल कमलों में कमल का चिन्ह है ऐसे श्री कृष्ण को मेरे बार बार नमस्कार हे प्रभु आपके हमारे पे कितने कितने उपकार हैं कितने जगहों पर अलग अलग अवस्थाओं में आपने हमारे पे कृपा की इतनी रक्षा तो आपने जो कंस के कारागृह में जो देवकी थी इतनी रक्षा तो आपने देवकी या उनके पुत्रों की भी नहीं की जितनी रक्षा जितना साथ आपने मेरा और मेरे पुत्रों को दिया यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धात चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणा हे ऋषिकेश अलग अलग समय पे अलग अलग विपत्तियों पे प्रभु आपने हमारी रक्षा करी लाक्षाग्रह की अग्नि हिडंबादी राक्षसों से युद्ध की सभा में वनवास के समय विपत्तियों में अनेक बार युद्धों में और अभी अभी उत्तरा के गर्भ में आपने हमारे बालक की रक्षा की प्रभु आपना कितना उपकार छे मारी ऊपर श्री महाप्रभु जी आज्ञा करे छे कि भगवान ना उपकारोनु स्मरण करवाथी हृदय में दैन्य भाव आवे छे एटले वैष्णवे जेटलू बने एटलू भगवान ना उपकारोनु स्मरण करता रहेवू जोईए साधारण जीव कहे प्रभु कृपा करो पण भक्त कहे छे प्रभु आपनी केटली